हेलो एवरीवन तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है पाइप और टंकी ठीक है तो पाइप वाले क्वेश्चंस करेंगे जो इसका कंप्लीट बेसिक है वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है ठीक है तो टाइम एंड वर्क में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को सीखा था बस उसी का यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बट इसमें जो है आप लोगों को जैसे उसमें टाइम एंड वर्क की बात हो रही होगी यहाँ पर जो वर्क है उसकी जगह पर पानी हो रहा होगा मतलब यहाँ पर जो है वाटर इसको रिप्लेस कर देगा और जो वर्क जो यहाँ पर टाइम है वो तो दोनों में सेम ही रहेगा मतलब वहाँ पर वर्क की बात हो रही होगी और यहाँ पर वाटर की बात हो रही होगी यानी कि जैसे 16 घंटे में कोई काम हो रहा है तो यहाँ पर जो है वो पानी भरा जा रहा है ठीक है अब पिछले क्वेश्चन में क्या होता था मतलब कि अगर बात की जाए टाइम एंड वर्क वाले में तो दो पर्सन होते थे ए और बी या फिर तीन भी हो सकते हैं सी तो जहाँ पर वो पर्सन होते थे अब यहाँ पर पाइप शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा ए पाइप बी पाइप सी पाइप ठीक है तो बस लैंग्वेज चेंज है बाकी पूरा कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी बट फिर भी जो है कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन समझाने की कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जैसा कि कोई ए पाइप है और एक बी पाइप है ठीक है ये किसी टंकी को दस घंटे में फिल करता है और ये दूसरा जो पाइप है वो टंकी को बीस घंटे में फिल करता है ठीक है तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने टाइम में फिल हो जाएगी भाई एक सिंगल जब चलाते हो तो वो दस घंटे में फिल करता है दूसरा जो चलाते हो तो वो बीस घंटे में फिल करता है तो अगर दोनों पाइप को सेम टाइम पर चला दिया जाए तो वो टंकी कितनी भी कैपेसिटी की हो सकती है वो अब कितने टाइम में फिल होगी ठीक है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ए प्लस बी निकालना पड़ेगा यानी कि इसी बात को आप इस लैंग्वेज में बोल सकते हो यदि किसी काम को ए दस दिन में करता है या घंटे बोल सकते हो बी जो है वो बीस घंटे में करता है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे लैंग्वेज अलग अलग है दोनों का सोल्यूशन सेम है ठीक है तो इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी नहीं है बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन जो टाइम और वर्क जहाँ पर दे रखा होता था वहाँ पर अब पाइप और टंकी जैसी चीज़ें दे रखी होंगी ठीक है तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है बाकी सारा कुछ आपका टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर से सब कवर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर भाई अगर आप देखोगे इन दोनों का जो एल्सीय है वो यहाँ पर निकाल देंगे कितना हो जाएगा सीधे सीधे लिख सकते हो सौ ठीक है सौ तो ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी दस और जो बी की कैपेसिटी है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी पाँच इसकी कैपेसिटी कैपेसिटी दस और इसकी पाँच दोनों का पूछा गया है यानी टोटल हमारे पास कितना है हंड्रेड टोटल हंड्रेड है दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा फिफ्टीन पाँच से इसको कट करोगे तीन हो गया और इसको कट करोगे तो ये बीस हो गया यानी बीस बटे तीन घंटे तो उस टंकी को फिल करने में टोटल बीस बटे तीन घंटे लगेंगे जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाएगा ठीक है तो इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि एक टंकी दे रखी है मतलब कि एक टंकी है उसका जो एक पाइप है वो टंकी को फिल करता है और जो दूसरा पाइप है वो टंकी को खाली करता है ठीक है इसमें ये भी सिचुएशन होती है कि ए जो है वो ये जो है वो पाँच घंटे में फिल करता है ये जो है वो किसी टंकी को पाँच घंटे में फिल करता है एक दूसरा पाइप भी उसी टंकी में दे रखा है जो कि इसको जो कि इसको दो घंटे में चलो मान लेते हैं यहाँ पर दस घंटे में खाली कर देता है ये भरता है ठीक है ये टंकी को भरता है और ये टंकी को खाली कर रहा है टंकी को खाली कर रहा है अब सवाल ये है कि जब इन दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाएगा इन दोनों पाइप को जब आप एक साथ खोल दोगे तो टंकी जो है वो कितने टाइम में भर जाएगी ये पूछा जाएगा ठीक है तो ये बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए तो अगर ये पाँच घंटे में फिल हो रहा है बी जो है वो दस घंटे में खाली कर रहा है तो ये कितनी देर में टंकी है भर जाएगी तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा भाई पाँच और दस ठीक है पाँच और दस इसका हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर एलसीएम पाँच और दस का एलसीएम तो कितना हो जाएगा दस ठीक है ए की बात की जाए तो भाई ए जो है वो दो की कैपेसिटी से यहाँ पर ए जो है वो दो की कैपेसिटी से भरेगा और बी की अगर बात की जाए भाई बी की बात की जाए तो वो एक की कैपेसिटी से खाली करेगा <coughs> ठीक है तो यहाँ पर ये यह दस क्या है टोटल वर्क जिसमें होता था टोटल वर्क ठीक है तो ये जो दस है वो हो जाएगा टंकी की कैपेसिटी ये बोल सकते हो टंकी कितनी होगी जैसे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस में ये होता था टोटल वर्क ठीक है तो यहाँ पर भी वो टोटल वर्क ही है और ये वर्क कौन कर रहा है ये पाइप कर रहा है तो पाइप का वर्क क्या है टंकी को भरना यानी कि वो दस यूनिट टंकी को भरता है ठीक है ऐसा समझ सकते हो टोटल दस यूनिट तो अब आप यहाँ पर देखो टोटल जो टंकी की कैपेसिटी हमने दस यूनिट ली है भाई ये दस यूनिट टोटल टंकी की कैपेसिटी हो गई एक पाइप जो है वो दो की स्पीड से भर रहा है और दूसरा जो पाइप है वो एक की स्पीड से खाली कर रहा है तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा दो माइनस वन हो जाएगा अब जो टंकी है वो इफेक्टिव रूप से वन की कैपेसिटी से भरी जाएगी वन की कैपेसिटी से भरी जाएगी दस यूनिट टंकी भरने में आपको जो टाइम है वो कितना लग जाएगा दस घंटे लग जाएगा ठीक है दस घंटे और इस वाले केस में क्या होता था भाई इसमें जो है दोनों फिल कर रहे थे पाइप पाइप जो थे वो दोनों फिल कर रहे थे तो उस हिसाब से भाई अगर फिल कर रहे हैं दोनों तो इनकी जो कैपेसिटी है वो ऐड हो जा रही थी यानी सौ बटे दस प्लस पाँच कैपेसिटी यहाँ पर जो है वो ऐड हो रही थी ठीक है बट इस केस में क्या हुआ है कैपेसिटी घट गई है क्यों क्योंकि एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टाइप बनते हैं ठीक है एकदम बेसिक से बच्चे वाले क्वेश्चन बोल सकते हो दो टाइप बनते हैं ठीक है अब इसी में क्या हो सकता है इसी में भाई ये बोला जा सकता है कि पाइप की संख्या बढ़ा दो इसी में बोला जा सकता है कि पाइप की संख्या को बढ़ा दो तो यहाँ पर ए पाइप हो गया बी हो गया और सी हो गया ठीक है ये आ, मान लेते हैं दस घंटे पंद्रह घंटे और बीस घंटे तीन पाइप हैं तो पहला जो पाइप है वो दस घंटे में पहला जो पाइप है वो दस घंटे में फिल करता है ठीक है तो ये पाइप फिल फिल कर रहा है ये वाला पाइप भी फिल कर रहा है टंकी को और ये वाला पाइप जो है वो खाली कर रहा है ठीक है ये वाला पाइप जो है वो खाली कर रहा है तो देखो दो पाइप जो है वो इसको भर रहे हैं तीसरा पाइप जो है खाली कर, कर रहा है तो आपको यहां पर बताना है कि इफेक्टिव रूप से ये टंकी कितने टाइम में भर जाएगी ये टंकी जो है वो कितने टाइम में भर जाएगी तो वही जो तरीका आप लोगों को बताया गया वही यहां पर लगाना है कि इन सभी का सबसे पहले एल्सियम लो अपने हिसाब से आप देख लो कि टंकी जो है वो कितने टाइम में सॉरी टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी आप अपनी तरफ से ले सकते हो तो दस पंद्रह और बीस तो यहाँ पर हो जाएगा साठ ठीक है तो हमने माना जो टंकी की कैपेसिटी है वो साठ है ठीक है टंकी की जो कैपेसिटी है वो हम लोगों ने यहां पर ले ली साठ अब आप ये देखो ए की कैपेसिटी कितनी होगी छह बी की कैपेसिटी कितनी होगी चार और यहां पर ये हो गई तीन टाइम एंड वर्क अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट करना उसके बाद में इस चीज को देखना ठीक है अब एक एक चीज यहां पर नहीं बताई जाएगी कि छह किस तरीके से आया चार किस तरीके से आया और तीन किस तरीके से आया ठीक है तो अब आप ये देखो पूछा क्या गया है कि टंकी जो है वो कम कितने समय में फिल हो जाएगी तो टोटल कैपेसिटी टंकी की कितनी है साठ ठीक है तो इसमें सीधा सीधा नियम ये याद रखना जो पाइप फिल करेगा उसकी कैपेसिटी ऐड कर देंगे और जो पाइप खाली करेगा टंकी को उसकी कैपेसिटी घटा देंगे तो भाई ये फिल करने वाला है यानी कि ये छः की स्पीड से फिल करेगा ये चार की स्पीड से और इसको अगर आप देखोगे तो तीन की स्पीड से खाली करेगा तो ये आपका हो गया माइनस का तीन यानी बोल सकते हो दस अपान छः दस और दस में से तीन गया कितना बच गया सात यानी आप इसको लिख सकते हो आठ सही चार बटे सात घंटे ठीक है तो जो टंकी है वो कंप्लीट आठ सही चार बटे सात घंटों में फिल हो जाएगी तो मोस्टली मोटा मोटा आप ये बोल सकते हो सिर्फ ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं ठीक है इसमें उसी को मिलाकर ये बना दिया जाता है बस इतना ही है बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड चलते रहेंगे ठीक है अब आते हैं पर कुछ की प्रैक्टिस कर लेंगे और बाकी और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसको आप अच्छी तरीके से कर लेना ठीक है पहला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है एक नल एक टंकी को आठ घंटे में फिल करता है जबकि दूसरा जो नल है वो दस घंटे में खाली करता है यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी तो भाई यही सेम चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर बताई गई है कि एक जो है वो यहाँ पर देखो दोनों इस क्वेश्चन में क्या था ये भी फिल कर रहा है ये भी फिल कर रहा है ये एक तरीका हो गया इसमें एक फिल करता है एक खाली करता है तो उसके लिए कैपेसिटी को इस तरीके से घटा देंगे और यहाँ पर आपको एक फिल कर रहा है एक खाली कर रहा है ठीक है एक और फिल कर रहा है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बताया जा सकता है इसमें देखो देखो ये एक भर रहा है और ये एक खाली कर रहा है तो आप भाई बोलोगे ए हो गया बी हो गया ये आठ की स्पीड से जो है भर रहा है और ये जो है वो सोलह घंटे में खाली कर रहा है आठ घंटे में ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है दोनों एक साथ खोल दिए जाएँ दोनों एक साथ खोल दिए जाएँ आठ और सोलह का जो एल है वो कितना होता है सोलह ठीक है तो इसकी कैपेसिटी देख लो और इसकी कैपेसिटी देख लो तो पहले वाले की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी दो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई एक ठीक है तो अब आप ये बोल सकते हो कि ये जो सोलह है ये कितने की स्पीड से भरा जाएगा दो की स्पीड से खाली भी हो रहा है तो माइनस वन कर देंगे यानी सोलह बटे एक कितना हो गया भाई घंटे तो जो टंकी है वो सोलह घंटे में भर पाएगी ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो यहां पर करेक्ट हो गया ठीक है इसी तरीके से अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़े ये देखो ये दे रखा है दो टंकी बारह मिनट में ठीक है बारह मिनट में और पंद्रह मिनट में भर देते हैं इसके अतिरिक्त वहां पर एक पाइप भी है भाई दो हैं एक बारह मिनट में भरता है एक पंद्रह मिनट में भरता है ठीक है एक तीसरा जो है वो निकास पाइप है यानी खाली करने वाला अगर तीनों पाइप खुले हैं तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है तीसरा पाइप कितनी देर में टंकी को खाली करेगा वही तीस, वही तीसरा वाला टाइप जो हमने आपको बताया था उसी पर बेस्ट क्वेश्चन ये आपका दे रखा है तो दो आपके पास हो गई भरने वाली ए बी और सी ठीक है ए कितनी देर में भरता है बारह में बी कितनी देर में भरता है पंद्रह मिनट में बारह मिनट हो गया पंद्रह मिनट हो गया सी सी के बारे में क्या बोला गया है तो टंकी बीस मिनट में भर जाती है सी के बारे में अभी कुछ नहीं बोला गया है बट ये भाई बोला गया है कि टंकी जो है वो कंप्लीट बीस मिनट में भर जाती है टंकी जो है वो कंप्लीट बीस मिनट में यहाँ पर भर जाती है तो तीसरा पाइप टंकी को कितनी देर में खाली करेगा सिंगल जो तीसरा पाइप है वो कितनी देर में खाली करेगा दो के बारे में इंफॉर्मेशन पता है तो आप एक काम करो यहाँ पर इसका टोटल ले लो कितना हो गया भाई बारह पंद्रह हाँ ठीक है तो इसका जो एलसीएम है वो साठ हो गया इसका जो एल है वो कितना हो गया साठ तो देखो ये पांच की कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई पांच इसकी कितनी हो गई चार इसकी कितनी हो गई चार ठीक है तो सी जो है यहां पर सी की कैपेसिटी क्या आप लोगों को पता है नहीं तो सी की कैपेसिटी मान लो x सी की x हो गई मतलब पांच की स्पीड से भर रहा है ये वाला चार की स्पीड से भर रहा है और ये जो है वो खाली कर रहा है ये जो है वो खाली कर रहा है तो अगर आप देखोगे टोटल कितना है साठ है अपान ये दोनों भर रहे हैं तो जुड़ जाएंगे भाई पाँच प्लस चार कितना हो गया नौ ठीक है पाँच प्लस चार और जो तीसरा वाला है जिसकी कैपेसिटी हमें नहीं पता है जिसकी हमने एक्स मानी है वो खाली कर रहा है इसका मतलब है ये यहाँ पर घट जाएगा यहाँ पर क्या होगा घट जाएगा अगर ये वाला पाइप भी ये वाला पाइप भी अगर भर रहा होता पानी को तो उसकी कैपेसिटी ऐड कर देते ठीक है तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो तीन हो गया आपका इधर तीन यहाँ पर हो गया और नौ माइनस एक्स बराबर तीन नौ माइनस एक्स बराबर तीन तो एक्स बराबर कितना हो गया छः तो छः क्या आया है ये छः कैपेसिटी आई है किसकी सी की सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी आई है छः मतलब टोटल टंकी की जो कैपेसिटी है वो साठ है और सी जो है वो पर यूनिट में छ भर रहा है भाई पर आप बोल सकते हो यहां पर टाइम किसमें चल रहा है मिनट में तो पर मिनट में वो यूनिट भर रहा है टोटल यूनिट उसको साठ भरनेटे आपको करना पड़ेगा साठ बटे साठ बटे छे. तो ये आपका दस मिनट आ जाएगा कि जो सी वाला पाइप है वो भरी हुई टंकी को भरी हुई टंकी को दस मिनट में खाली कर देगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा एक्स की ये वैल्यू आई है ये एक्स यूनिट पर मिनट जो है वो भर रहा है सॉरी खाली कर रहा है ये छः यूनिट जो है वो पर मिनट खाली कर रहा है और भरी हुई टंकी को खाली करने में उसका कितना समय लगेगा चूँकि यहाँ पर टंकी टोटल साठ यूनिट की है पर सेकेंड वो छः छः यूनिट सॉरी पर मिनट वो छः छः यूनिट खाली कर रहा है इसका मतलब है उसको दस मिनट टाइम लग जाएगा अगला क्वेश्चन है पाइप ए बारह घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी 20 घंटे में खाली कर सकता है दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो कर रहे हैं तो आधा हिस्सा तो कितने घंटों में टैंक का आधा हिस्सा यानी आपकी बार जो टोटल वर्क जहां पर रखते हो जहां पर टैंकी की कैपेसिटी रखते हो उसको जस्ट आधा करना है कैसे देखो ए की अगर बात की जाए और बी की बात की जाए तो ए भाई आपका हो गया बारह घंटे में बी जो है वो बीस घंटे में अब इन दोनों का जो है ले लेंगे क्या एल्शियम तो साठ कितना हो गया साठ ठीक है बारह पंचे साठ ये पाँच की कैपेसिटी बीस तिया थी साठ ये तीन की कैपेसिटी अब बोला गया है कि भाई टैंक का आधा हिस्सा पूरा टैंक कितना है साठ यूनिट का आधा टैंक कितना हो जाएगा तीस यूनिट का बस इसमें इतना करना था कि आधा हिस्सा जो है वो तीस यूनिट का हो जाएगा पहला भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है यानी पहला भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है तो पाँच माइनस तीन हो जाएगा तो ये आपका होगा तीस बटे दो यानी आप बोल सकते हो पंद्रह ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट होगा बी वाला ऑप्शन अगर कंप्लीट होता तो हम साठ रखते और साठ बटे दो करते तो हमारे पास तीस घंटा आ जाता या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि कंप्लीट जो है वो तीस घंटे में भरता है तो आधा पंद्रह में भरेगा तो बी वाला ऑप्शन वहाँ से भी आपका सही हो गया नेक्स्ट पाइप ए टैंक को बीस घंटे में भर सकता है लेकिन टैंक के रिसाव के कारण अट्ठाईस घंटों में भर पाता है ठीक है तो यहाँ पर रिसाव का मतलब ये हुआ कि इसमें एक और पाइप मतलब एक और छेद हो गया है टैंक में जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है मतलब एक नीचे पाइप होगा वो उसको खाली कर रहा होगा इस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया थीक थीक तो रिसाव अकेले पूरी तरह से भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है यानी कि यह बोला गया है कि इसमें दो पाइप हैं एक पाइप भर रहा है एक पाइप खाली कर रहा है दोनों पाइप जब चल रहे हैं तो ये अट्ठाईस घंटों में भर पाती है टंकी ठीक है तो जो रिसाव वाला पाइप है सिर्फ वही चलेगा तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी भरी हुई तो ए पाइप हो गया जो कि भर रहा है बी पाइप जो है वो खाली कर रहा है ठीक है इसके अलावा ये रिसाव के कारण 28 घंटों में भर पाता है यानी 28 घंटों में क्यों भर पा रहा है क्योंकि दोनों पाइप यहां पर चल रहे हैं एक ऊपर से भर रहा है और एक नीचे से खाली भी हो रहा है मतलब ए प्लस बी आपको आपकी बार दे रखा है ए जो है वो कितने घंटों में है बीस घंटों में ए प्लस बी का आपको दे रखा है अट्ठाईस घंटों में ठीक है अब हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अट्ठाईस गुड़ा पाँच एक सौ चालीस ठीक है ये आपका हो गया एक सौ चालीस यानी कि ए की जो कैपेसिटी है वो सेवन हो गई यहां पर इसकी कैपेसिटी जो है वो पाँच हो गई तो ए की कैपेसिटी सेवन है ठीक है और ए प्लस बी की कैपेसिटी पाँच कम क्यों हो गई क्योंकि भाई यहाँ पर बी बी भी ऐड हुआ है ठीक है ये भी ऐड हुआ है इसका मतलब ये माइनस टू का होगा भाई ए तो सात है ना ए तो ऊपर हमने निकाल दिया सात है ए की कैपेसिटी सात है ए यहाँ पर सात है सात में क्या जोड़ोगे कि आपको पाँच मिलेगा तो भाई यहाँ पर माइनस दो जोड़ना पड़ेगा तो बी की कैपेसिटी माइनस दो हो गई माइनस क्यों क्योंकि वो खाली कर रहा है यानी बी जो है वो दो की स्पीड से खाली कर रहा है दो की स्पीड से खाली कर रहा है माइनस और प्लस तो ये दिखाता है कि खाली कर रहा है या भर रहा है ठीक है टोटल यहाँ पर टंकी कितनी है एक की एक की एक की टंकी दो की स्पीड से अगर खाली होगी तो उसको खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा सत्तर घंटों में बात हो रही है तो सत्तर घंटे ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नल एक्स किसी हौज को 24 मिनट में भर सकता है और वाई हौज को 36 मिनट में भर सकता है दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो 9 मिनट के बाद में वाई आ, खोला गया ठीक है 9 मिनट के बाद में वाई को बंद कर दिया गया यानी 9 मिनट तक दोनों पाइप चल रहे हैं अब उसके बाद में क्या हुआ शेष भाग को भरने के लिए एक्स द्वारा लिया गया समय आपको मिनट में बताना है देखो एक्स और वाई ये है चौबीस मिनट वाई की अगर बात की जाए तो वो छत्तीस मिनट में भर सकता है थर्टी सिक्स ये भी भर रहा है ये भी भर रहा है ठीक है दोनों पाइप यहाँ पर भर रहे हैं तो प्लस आएगा अब नौ मिनट के बाद में वाई को बंद कर रहे हैं यानी नौ मिनट तक दोनों पाइप चल रहे होंगे तो सबसे पहले आप इसकी कैपेसिटी निकालो कितनी हो जाएगी यहाँ से नौ और यह आपका हो जाएगा बहत्तर ठीक है सेवेंटी टू मतलब कि जो x की कैपेसिटी है वो कितनी होगी तीन y की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी दो x तीन की स्पीड से और y जो है वो दो की स्पीड से भर रहा है नौ मिनट तक नौ मिनट तक ये लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो भाई अगर नौ मिनट तक ये लोग काम करेंगे तो टोटल कितना काम हो जाएगा या बोल सकते हो कि टोटल जो है कितनी टंकी भर जाएगी नौ मिनट तक कितनी स्पीड हो जाएगी इन दोनों की मिलाकर तीन प्लस दो यानी पैंतालीस तो पैंतालीस यूनिट टंकी भर जाएगी पैंतालीस यूनिट टंकी भर जाएगी कितने नौ मिनट में उसके बाद में वाई को बंद कर दिया गया है भाई वाई को दिया गया है हटा वाई को हटा दिया गया अब सिर्फ एक्स भरेगा बचे हुए को बहत्तर थी अब कितने बचेगी बहत्तर माइनस पैंतालीस यानी अब जो टंकी है वो सत्ताईस बचेगी अब इस बची हुई टंकी को भाई वाई बंद कर दिया गया है सिर्फ कौन भरेगा एक्स भरेगा तो एक्स की स्पीड कितनी है तीन सत्ताईस पटे तीन बराबर कितना हो जाएगा नौ ठीक है तो एक्स द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो नौ लिया जाएगा द्वारा जो लिया गया टाइम है वो नौ होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट होगा ए ऑप्शन अगर यहीं पर बोल दिया जाए कि पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा पूरी टंकी को जो है भरने में कितना टाइम लगेगा नौ पहले लग चुका था अब और नौ तो हमारे पास यहाँ अठारह वाला आंसर सही होता अगर पूरा पूछ रहे होते लेकिन यहाँ पर पूछा गया सिर्फ एक्स द्वारा बाद में शेष भाग को बचे हुए भाग को एक्स द्वारा भरने में कितना समय लगेगा तो भाई बचा हुआ भाग कितना था सत्ताईस यूनिट सत्ताईस यूनिट को एक्स के द्वारा यानी तीन के द्वारा जब भरा जाएगा तो फिर नौ मिनट का समय लगा लगेगा ये ऑप्शन जो है वो सही होगा एक्स और वाई बारह घंटों में एक्स और वाई बारह घंटों में और आठ घंटों में एक टैंक को भरते हैं ठीक है उसके बाद में बोला गया है जो जेड है जेड तीन घंटों में इसे खाली कर सकता है जेड तीन घंटों में खाली कर रहा है ठीक है दो भरने वाले हैं और एक जो है वो खाली करने वाला है पाइप एक्स वाई और जेड क्रमशः चार बजे पाँच बजे और सात बजे खोले जाते हैं ठीक है एक्स को खोला जाता है चार बजे और वाई जो है वो पाँच बजे और जेड जो है वो सात बजे तो सबसे पहले आप देखो एक्स वाई एंड जेड ये भर रहा है बारह घंटों में ये आठ घंटों में और जेड जो है वो तीन घंटों में तो अगर हम लोग यहां पर इसकी टोटल कैपेसिटी लिखें, टोटल कैपेसिटी अगर इसकी लिखें, तो ये हो जाएगी चौबीस ठीक है चौबीस हो गई अब उसके बाद में ये देखो X की जो कैपेसिटी है वो दो हो गई भाई यहां पर ये कैपेसिटी किसकी आई है टैंक की टैंक जो है वो चौबीस यूनिट का होगा एक्स जो है वो दो की स्पीड से भर रहा है दो की स्पीड से वाई जो है वो तीन की स्पीड से भर रहा है और जेड जो है वो कितनी आठ की स्पीड से खाली कर रहा है जेड बहुत ही जल्दी खाली कर दे रहा है देखो तीन घंटे में खाली कर देता है मतलब कि जेड की स्पीड बहुत तेज़ होगी ये दो तीन से भर रहे हैं जेड जो है वो आठ की स्पीड से खाली कर रहा है ठीक है अब आप ये देखो एक्स जो है वो चार बजे खोला जाता है वाई जो है वो पाँच बजे खोला जाता है और जो जेड है वो सात बजे खोला जाता है इसका मतलब है कि एक्स जो है ये यहाँ पर चार बजे खोला गया और ये वाला जो है वो सात बजे खोला गया इसका मतलब है कि एक्स तीन घंटे तीन घंटे तक लगातार होगा एक्स जो है वो तीन घंटे तक लगातार होगा ठीक है मतलब कि एक्स ने तीन घंटे तक कितना भर दिया होगा छ यूनिट अब उसके बाद में वाई खोला गया है पाँच बजे अगले यहाँ पर सात बजे की बात हो रही है तो वाई ने सिर्फ दो घंटे काम किया वाई ने दो घंटे काम किया तो वाई अगर दो घंटे काम करेगा तो कितना कर लेगा वो भी छः कर लेगा ठीक है बराबर बारह यानी कि बारह यूनिट काम हो चुका है बारह यूनिट काम हो चुका है कितना बचा रिमेनिंग वर्क या फिर बोल सकते हो रिमेनिंग कितनी टंकी बची होगी टोटल में से तो चौबीस में से बारह गया तो बारह बचा होगा ठीक है अब उसके बाद में तो यह टैंक किस समय खाली हो पाएगा अब जो है ये सात बजे सात बजे जो है वो जेड को खोल रहे हैं सात बजे जेड को खोल रहे हैं अब जैसे ही जेड खुलेगा यहाँ पर जब जेड खुलेगा तब टंकी ऑलरेडी उसमें बारह यूनिट पानी है टंकी में ठीक है अब जेड खुला है इसका मतलब ये थोड़ी कि एक्स और वाई बंद हो गए नहीं एक्स भी चल रहा है वाई भी चल रहा है और जेड भी चल रहा है तो अब आप देखो दो प्लस तीन ये तो जुड़ जाएगा और ये घटेगा दो प्लस तीन और ये आपका है आठ मतलब कि टंकी जो है वो तीन की स्पीड से अब खाली होगी टंकी तीन की स्पीड से खाली होगी भाई ये दोनों जुड़ेंगे पाँच हो जाएगा और यहां पर ये आठ की स्पीड से खाली हो रहा है ये पांच की स्पीड से भर रहा है इसका मतलब है कि तीन की स्पीड से टंकी खाली होगी तो टोटल उसको चार घंटे लग जाएंगे चार घंटे कहां से चार घंटे सात बजे से सात बजे से चार घंटे मतलब सात प्लस चार कितना हो जाएगा ग्यारह बजे तो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा टंकी कितने समय खाली हो पाएगी ग्यारह बजे खाली हो पाएगी ठीक है तीस घंटे चालीस घंटे और साठ घंटे ठीक है तो ए के लिए बात हो रही है तीस चालीस और साठ ए और सी ये कर रहा है तीस घंटे में चालीस घंटे में और फिर जो है आगे बोला गया साठ घंटे में तो अगर हम लोग इसके लिखें टोटल कैपेसिटी की, की हॉज की टोटल कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो भाई वो कितनी हो जाएगी इन तीनों का जो एलसीएम है इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना होगा दस uh, हो गया फिर उसके बाद बारह ठीक है तो बोलोगे एक सौ बीस तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा एक सौ बीस ठीक है अब आप यहाँ पर ये देखो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई चार इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई दस और इसकी कैपेसिटी देखोगे तो ये आपकी दो हो जाएगी हालांकि आप इसको जो है कम भी कर सकते थे सॉरी तीन इसकी कैपेसिटी होगी तीन यहाँ पर चार हो गया तीन हो गया और ये दो हुआ ठीक अब उसके बाद बोला गया ए को सात बजे खोला गया ठीक बी को खोला गया है आठ बजे और सी को खोला गया है दस बजे ठीक है इसका मतलब है कि दस बजे तक दस बजे जैसे ही दस बजेगा तीनों जो है पाइप एक साथ चल रहे होंगे तीनों पाइप दस बजे एक साथ चल रहे होंगे बट दस बजे के पहले दस बजे के पहले के तीन घंटे की जो कहानी है उसको समझ लेते हैं सात बजे सिर्फ एक पाइप चल रहा है यानी ए जो पाइप है वो एक घंटे चलेगा ए जो पाइप है वो एक घंटे चलेगा आठ बजे तक जैसे ही आठ बजेगा फिर दो दो पाइप चलेंगे दो पाइप अगले दो घंटे तक चल रहे होंगे दो पाइप अगले दो घंटे तक चल रहे होंगे दो कौन कौन से पाइप ए और बी ए और बी देखो पहले एक घंटे यानी सात बजे तक सिर्फ ए पाइप चलेगा एक घंटे तक यानी चार यूनिट काम हो गया मतलब कि चार यूनिट जो टंकी है वो भर गई फिर उसके बाद में देखो आठ बज गया जैसे ही आठ बजेगा वैसे ही दूसरा पाइप भी ऑन हो जाएगा दूसरा पाइप ऑन हो गया अब आठ बजे से दस बजे तक दो पाइप चल रहे होंगे आठ से दस तक यानी दो घंटे में दो पाइप चल रहे होंगे पहला और दूसरा यानी ए और बी दोनों की कैपेसिटी कितनी है सात और चल रहे हैं कितनी देर तक दो घंटे तक तो ये आपका हो गया चौदह प्लस चार अठारह यानी अठारह यूनिट पानी भर गया होगा अठारह यूनिट पानी भर गया होगा अगर आप देखोगे कि रिमेनिंग कितना बच गया पानी रिमेनिंग कितना बच गया तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक एक सौ दो ठीक है अब आप ये देखो दस बज गया है जैसे ही दस बजेगा वैसे ही अब तीसरा भी पाइप खोल दिया जाएगा अब पानी जो भरा जाएगा वो तीनों की कैपेसिटी के साथ में भरा जाएगा यानी एक सौ दो जो बचा हुआ पानी है वो अब तीनों की कैपेसिटी से भरा जाएगा एक सौ दो एक सौ दो डिवाइडेड बाई चार तीन सात दो नौ नौ ठीक है तो यहाँ से इसको कट करोगे तो आपका हो जाएगा तीन से इसको कट करो और यहाँ पर चौंतीस बटे तीन कितना हो गया चौंतीस बटे तीन घंटे तो टोटल जो टंकी है वो चौंतीस बटे तीन घंटों में भर जाएगी कब दस बजे के बाद में उसको चौंतीस बटे तीन घंटे लगेंगे या फिर आप इसको कर आ, इसको कन्वर्ट कर सकते हो किस में मिनट में तो ये आपका हो जाएगा ग्यारह ठीक है ग्यारह तीन तैंतीस और एक बटे तीन यानी ग्यारह घंटे इसको आप लिखोगे ग्यारह घंटे और एक बटे तीन घंटे का क्या मतलब होता है भाई एक बटे तीन घंटे का मतलब हुआ कि बीस मिनट एक बटे तीन घंटे का क्या मतलब हुआ बीस मिनट ठीक है तो ये आपका हो जाएगा ग्यारह घंटे बीस मिनट भाई एक बटे तीन को साठ से गुड़ा कराओगे तो ये आपका हो जाएगा बीस मिनट इसका मतलब ये हुआ कि दस बजे के बाद में दस बजे के बाद में टंकी को पूरा भरने में दस बजे के बाद में टंकी को पूरा भरने में जो टाइम है वो कितना लगेगा ग्यारह घंटे बीस मिनट लगेगा पूछा गया है कितने बजे भर जाएगा कितने बजे तो दस के बाद में भाई ग्यारह घंटे बीस मिनट जैसे आप ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा जाकर इक्कीस घंटा मतलब इक्कीस बजकर बीस मिनट इक्कीस इक्कीस नौ बीस कितना होता है बीस। ठीक है सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन जो है वो यहां पर सही हो जाएगा आठ होता है बीस ऐसे याद कर सकते हो भाई आठ जो है वो बीस होता है आठ के बाद कितना आता है नौ ठीक है तो ये आपका नौ बजकर बीस मिनट तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला है वो करेक्ट हो गया देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो देखो दस बजे यहाँ पर बोला गया है तीनों पाइप चल रहे हैं बात जहाँ पर चल रही हो तीनों पाइप की तो फिर उससे पहले की कहानी आप देख लो सात बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है ठीक है सात बजे से और दस बजे तीनों चल रहे हैं तो तीनों जब चलेंगे तो तीनों की कैपेसिटी ऐड करके वो चीज़ हम निकाल लेंगे अब जब तीन चल तीन जब चले हैं उसके पहले कितना पानी भर चुका होगा वो चीज़ आप निकाल दो पहले दो घंटा चला है भाई सॉरी तीन घंटे चला है तीन घंटे पहले चला है तो फिर आप ये देखो उस तीन घंटे में कितना भर गया होगा फर्स्ट यह पहले घंटे में चार यूनिट पानी भरा अगले दो घंटे में चौदह यूनिट पानी भरा यानी टोटल दस बजे से पहले दस बजे से पहले टोटल अठारह यूनिट पानी भर गया होगा एक सौ बीस वाली टंकी में ठीक है तो बचा हुआ जो पानी है मतलब कि एक सौ दो यूनिट अब वो तीनों के योग से चलेगा तीनों के सहयोग से चलेगा तो भाई नौ की कैपेसिटी से पानी भरा जाएगा तो भाई आपका यहाँ पर ग्यारह सही एक बटे तीन हो जाएगा ठीक है उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दो पाइप एक हौज को क्रमशः चौदाह और सोलह घंटों में भर सकते हैं ठीक है पाइप को एक साथ खोला जाता है तथा ज्ञात या होता है कि हौज के तल में एक छेद है मतलब कि बोल सकते हो तीसरा पाइप है तीसरा कौन सा पाइप है जो उसको खाली कर रहा है ठीक है खाली कर रहा है छेद के कारण इसे भरने में 32 मिनट अधिक समय लगते हैं 32 मिनट अधिक समय लगता है जब हौज़ में पानी भरा हो तो इस छेद को खाली करने में कितना समय लगेगा इसको निकालने के लिए आपको जो तीसरा वाले पाइप है यानी कि जो उसको खाली कर रहा है उसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए तीसरा जो पाइप है उसकी कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे ठीक है आ जाओ क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है ए पाइप और बी पाइप 16 और 14 घंटे ए पाइप ए पाइप और बी पाइप कितने घंटे 16 और 14 तो इसकी जो कैपेसिटी है वो हम लोग इसका एलसीएम मान सकते हैं तो इसका जो एल है वो कितना हो जाएगा 112 ठीक है कितना हो जाएगा 112 तो 112 यूनिट की जो टंकी है वो यहाँ पर दी हुई है ठीक है अब उसके बाद में क्या करना है आपको ए की कैपेसिटी कितनी हो गई सेवन ठीक है और चौदह इसकी बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी आठ ए की सेवन हो गई बी की आठ हो गई अब उसके बाद में बोला गया है तथा एक यहाँ पर तीसरा भी पाइप है एक तीसरा पाइप है जो खाली कर रहा है ठीक है जो तीसरा पाइप है वो खाली कर रहा है यानी कि सी अब इसके बारे में क्या बोला गया है इसे 32 मिनट अधिक समय लगते हैं तो अगर ए और बी यहाँ पर भर रहे हैं अगर ए और बी भर रहे हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा टी अगर हम लोग यहाँ पर निकालें तो टोटल कितना है एक ठीक है और इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है पंद्रह एक सौ बारह बटे पंद्रह यानी जब सिर्फ ये दोनों पाइप होंगे तब इतना समय लगेगा ठीक है अब इसको अगर हम लोग मिनट में बनाएं तो कितना होगा इंटू साठ ठीक है इसको चार से कट करेंगे तो चार 448 सौ मिनट यानी जब ए और बी पाइप होंगे तो 448 मिनट में ये भर जाएगा बट क्या बोला गया है कि तीसरा एक अवेलेबल है जिसकी वजह से 32 मिनट और अधिक समय लगता है यानी टी डैश जो टाइम है वो 32 मिनट और लगता है यानी 448 प्लस 32 ठीक है तो आप इसको बोलोगे आठ दो दस चार तीन सात एक आठ यानी चार मिनट अब जो टाइम लगेगा वो चार मिनट लगेगा चार मिनट ठीक अब यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो इस को इसकी कैपेसिटी को एक्स मान लो भाई इसकी कैपेसिटी को क्या आप करोगे एक्स मान लोगे तो अब आप यह देखो कि एक्सौ एक बारह ठीक है एक सौ बारह सात प्लस आठ पंद्रह माइनस एक्स जब इसको भी आप ऐड कर लोगे भाई ये दोनों भर रहे हैं ये खाली कर रहा है तो इतना टाइम लगना चाहिए इतना टाइम जो कि हमने यहां पर निकाला है कितना चार सौ अस्सी इसको घंटे में बनाओगे तो चार सौ अस्सी बटे साठ ठीक है जीरो से ज़ीरो आपका चला गया फिर तीन हो गया छः अड़तालीस छः अड़तालीस और यहाँ पर यह आपका हो गया चौदह ठीक है तो पंद्रह माइनस एक्स बराबर चौदह तो एक्स बराबर बोलोगे एक एक्स बराबर कितना आया है एक मतलब सी की जो कैपेसिटी है सी वाला जो पाइप है उसकी कैपेसिटी कितनी निकली वन वन कैपेसिटी निकली और अगर आपके पास सी की कैपेसिटी है तो फिर आप निकाल सकते हो कि वो जो अकेला पाइप है भरी हुई टंकी को कितने टाइम में खाली करेगा ये आप आसानी से निकाल सकते हो टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी एक सौ पूरा पानी भरा हुआ है एक की स्पीड से खाली होगा क्योंकि बोला गया है सिर्फ भरी हुई टंकी को इसके द्वारा खाली किया जा रहा है कितना टाइम लगेगा 112 की कैपेसिटी है वन से खाली किया जाएगा तो यहाँ पर भाई 112 घंटे लग जाएंगे 112 घंटे ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन में 112 मिनट भी दे रखा हो सकता था ठीक है तो कन्फ्यूज नहीं होना है एक घंटे लगेगा क्योंकि ऊपर जो भी आप सॉल्व करते आए हो ये सोलह घंटे की बात है ये चौदह घंटे यहाँ पर है ठीक है तो उसी हिसाब से आपका आंसर जो है घंटे में निकलेगा यहाँ पर मिनट हमने इसलिए बनाया क्योंकि बोला गया जब तीनों पाइप एक साथ चल रहे होंगे तो फिर बत्तीस बत मिनट एक्स्ट्रा लगेगा तो फिर आपका ये जो है टाइम चार सौ अस्सी दिखा रहा है जिसको आप घंटे में बनाओगे भाई यहाँ पर ये चीज़ हमने फिर से अप्लाई की है तीनों पाइप जब एक साथ चल रहे होंगे तो ये अप्लाई किया है तो फिर उसको घंटे में यहाँ पर बनाया है इसका मतलब है कि आपकी बार जो आपके पास आएगा वो घंटे में ही आंसर निकल कर आएगा ठीक है हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो ये आपके लिए बट इसको एक बार फिर से आप रिवाइज करके देख लेना नेक्स्ट किसी हौज में तीन नल पी क्यू आर पी क्यू आर है पी इसे दो घंटे में भर सकता है क्यू और आर इसे चार घंटे में भर सकते हैं तो भाई टाइम एंड वर्क वाली चीज चैप्टर से इस चीज को रिलेट कर लेना सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है पी क्यू आर है पी इसको दो घंटे में भर सकता है ठीक है पी जो है वो दो घंटे में भर सकता है क्यू प्लस आर चार घंटे में क्यू प्लस आर चार घंटे में फिर क्यू प्लस आर क्रमशः चार घंटे में और छह घंटे में खाली कर सकता है क्यू जो है वो चार घंटे में आर जो है छह घंटे में सिर्फ पी वाला जो है वो भर रहा है और क्यू और आर दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं खाली कर रहे हैं ठीक है वो उसकी कैपेसिटी माइनस में हो जाएगी सभी नर्लों को सुबह नौ बजे खोला जाता है ठीक है सभी को नौ बजे खोल दिया गया क्यू को दस बजे बंद कर दिया गया अब सबसे पहले इतना करने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पर टोटल यहाँ पर आप लिखो कि जो उसकी कैपेसिटी है टोटल कितनी होगी तो भाई आप यहाँ पर बोल सकते हो बारह टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी बारह अब उसके बाद में सभी की कैपेसिटी लिखो पी की जो कैपेसिटी है वो सिक्स हो गई इसकी कैपेसिटी थ्री हो गई एंड आर की जो है वो दो हो गई अब उसके बाद में बोला गया है सभी नलों को नौ बजे खोल दिया गया ठीक है नौ बजे से जो है कहानी स्टार्ट हुई है दस बजे जो है वो क्यू को बंद किया गया है इसका मतलब एक घंटे तक तीनों पाइप चल रहे होंगे एक घंटे तक तीनों पाइप चल रहे होंगे तो टोटल कितना है बारह ठीक ऐसे समझो आ, नौ से दस के बीच 9 बजे से 10 बजे के बीच क्या हुआ होगा 9 से 10 के बीच की कहानी यहाँ पर लिखी हुई है क्या हुआ एक घंटे तक तीनों पाइप चल रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी प्लस में होगी और ये दो लोग ये दोनों खाली कर रहे हैं तो ये माइनस में होगा ठीक है तो ये माइनस में होगा और ये जो कैपेसिटी लिखी होती है पर घंटा ही होती है ठीक है पर घंटा होती है घंटे में बात हो रही है तो घंटा दिन में बात हो रही होती तो पर डे ठीक है तो यहाँ पर छ माइनस तीन और माइनस दो ये आपका क्या हो गया एक तो टंकी सिर्फ अभी एक यूनिट भर पाई होगी सिर्फ एक घंटे में एक घंटे में सिर्फ एक यूनिट भर पाई है क्यों क्योंकि यहां पर तीनों पाइप चल रहे हैं एक भरने वाला था और दो खाली करने वाले थे उसके बाद में बोला गया कि क्यू को सुबह दस बजे बंद कर दिया गया अब दस बजे के बाद से ठीक है दस के बाद से ग्यारह बजे तक दस के बाद से ग्यारह बजे तक क्या हुआ है ठीक है दस के बाद से ग्यारह बजे क्या हुआ क्यू को क्यू को बंद कर दिया गया क्यू वाला बंद हो गया ठीक अब उसके बाद एक घंटा फिर से एक घंटा फिर से अब ये चल रहा है पी चल रहा है और आर चल रहा है यानी पी भरेगा आर खाली करेगा तो अब चार यूनिट टंकी भर गई ग्यारह बजे तक चार यूनिट टंकी भर गई पहले कितनी भरी थी एक अब कितनी भर गई है चार ठीक है तो इतना टंकी अभी भर चुकी है अब देखो आर को सुबह ग्यारह बजे बंद कर दिया गया आर को सुबह ग्यारह बजे बंद कर दिया गया अब देखो टंकी भर कितनी गई है तो एक चार्च यूनिट भर गई है और बची कितनी है रिमेनिंग रिमेनिंग तो आप बोल सकते हो बारह माइनस पाँच सात ठीक है सात यूनिट टंकी बची हुई है आर को ग्यारह बजे बंद कर दिया गया ये आर वाला है इसको भी बंद कर दिया गया अब अब इसको बंद कर दोगे भरेगा कौन ये भरेगा छः ये छः वाला जो है वो भरेगा ठीक है छः वाला इसको भरेगा कितने कितने बजे के बाद ग्यारह बजे के बाद तो फिर आप ये देखो सात भरना है कितनी की कैपेसिटी से छः की कैपेसिटी से तो टाइम जो है वो यहाँ पर क्या लगेगा सात बटे छः सात बटे छः टाइम जो है वो सात बटे छः लगेगा ये किस में आ रहा है घंटे में तो हम लोग इसको मिनट में बना सकते हैं साठ से गुड़ा कराकर सात भरना है छः की स्पीड से तो भाई आपका ये हो जाएगा सत्तर मिनट क्या होगा सत्तर मिनट ठीक है सत्तर मिनट हो गया अब ग्यारह बजे के बाद में सत्तर मिनट और समय लगेगा मतलब कि 11 में आपको 70 मिनट और ऐड और करने हैं 70 मिनट का मतलब होता है एक घंटा 10 मिनट एक घंटा 10 मिनट यानी 11 बजे के बाद में एक घंटा 10 मिनट और टाइम लगेगा तो टाइम क्या हो जाएगा 11 दस प्लस 70 मिनट तो ये आपका बन जाएगा बारह बज के मिनट तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला है वो इसका करेक्ट हो गया ठीक है नौ से दस की कहानी दस से ग्यारह और ग्यारह के बाद ग्यारह के बाद देखो आर को भी बंद कर दिया गया है ग्यारह के बाद जो है वो आर को भी बंद कर दिया गया है आर भी बंद क्यू भी बंद सिर्फ पी भरेगा सिर्फ पी जो है पी चल रहा है सिर्फ पी ही भरेगा टोटल टंकी चार यूनिट ये और एक यूनिट ये पाँच यूनिट भर चुकी थी सात यूनिट बची है अब ये बची हुई टंकी छः के द्वारा भरी जाएगी तो सात बटे छः घंटे टाइम लगेगा उसको हमने मिनट में बना दिया सौ साठ से उड़ा करके ठीक है नेक्स्ट एक्स किसी हॉज को 24 मिनट में भर सकता है एक्स किसी हौज को 24 मिनट में भर सकता है वाई जो है वो 36 मिनट में भर सकता है ठीक है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है 9 मिनट के बाद 9 मिनट के बाद में वाई को बंद कर दिया जाता है हौज के शेष भाग को भरने के लिए एक्स द्वारा लिया गया समय मिनट में बताइए ठीक है तो कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं सेम क्वेश्चन है एक्स एंड वाई चौबीस और ये हो गया छत्तीस मिनट तो आप बोल सकते हो टोटल टोटल कैपेसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी बहत्तर टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई सेवेंटी टू चौबीस तिया बहत्तर और छत्तीस दुना बहत्तर एक्स और वाई की कैपेसिटी आ गई नौ मिनट तक नौ मिनट तक दोनों नल साथ में चल रहे हैं ठीक है नौ मिनट तक दोनों नल साथ में चल रहे हैं इसका मतलब है कि इन दोनों की कैपेसिटी तीन प्लस दो कितने मिनट तक नौ मिनट तक तो आपका नौ बचे पैतालीस यानी 45 यूनिट पानी जो है वो भर गया होगा नौ मिनट में बचा हुआ अगर देखा जाए रिमेनिंग तो ये आपका 72 टू माइनस फोर्टी जो कि हो जाएगा ठीक है 27 कितना हो गया 27 अब 27 यूनिट जो बचा हुआ है 27 यूनिट जो बचा हुआ है वो अब सत्ताईस यूनिट ये जो बचा हुआ है आपका अब ये कौन भरेगा क्योंकि देखो वाई को बंद कर दिया गया है नौ मिनट के बाद वाई को बंद किया गया है वाई बंद है तो फिर एक्स चलता रहेगा तो एक्स अगर चलता रहेगा तो बचा हुआ कौन भरेगा एक्स ही भरेगा कितने की स्पीड है उसकी तीन की स्पीड है तो सत्ताईस टोटल भरना है आपको तीन की स्पीड से भरना है तो सत्ताईस बटे तीन यानी कि ये लग जाएगा नौ मिनट ठीक है, 9 मिनट तो ए वाला ऑप्शन जो है वो यहां पर सही हो गया ठीक है ए ऑप्शन सही हो गया देखो हौज के शेष भाग को भरने के लिए जो समय है बचे हुए भाग को तो वह बचा हुआ भाग 27 यूनिट है ना टोटल इतना था नौ मिनट लगेगा अगर पूछा गया होता टंकी कितने समय में भर जाएगी सिर्फ ये बोला गया होता कि टंकी कितने समय में भर जाएगी तब फिर हमारे पास जो ऑप्शन होता वो 18 सही होता क्योंकि नौ मिनट बचे हुए को भरने में लगा और नौ मिनट पहले भी चल चुका है भाई नौ मिनट के बाद तब नौ प्लस नौ कितना हो जाता अठारह तो हमारे पास राइट आंसर क्या होता है अठारह बट यहां पर बोला गया है शेष भाग को सिर्फ बचे हुए भाग को भरने के लिए लगा समय दैट इज नाइन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नेक्स्ट पाइप एक्स और वाई बीस मिनट में और तीस मिनट में किसी टैंक को भर सकते हैं पाइप जेड उसी टैंक को साठ मिनट में खाली कर सकता है तीनों पाइप तीनों पाइप जो है वो टैंक से जुड़े हैं लेकिन प्रत्येक पाइप एक मिनट के लिए खोला जाता है एक्स से शुरुआत होती है उसके बाद वाई और फिर जेड इसी तरह से टैंक को पूरी तरह भरने में जो लगा समय वो आपको बताना है देखो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि पहले दिन एक काम करता है फिर तीसरे दिन ये काम करता है अल्टरनेट डेज वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा था वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है वहां पर वर्कर्स होते थे यहां पर पाइप है ठीक है तो एक्स और वाई बीस मिनट तीस मिनट और जेड भी है बीस मिनट तीस मिनट और जो जेड है वो साठ मिनट में खाली कर सकता है इस चीज़ का ध्यान रखना है जो भर रहा है उसके लिए हमेशा प्लस का यूज करेंगे एंड जो खाली कर रहा है उसके लिए हम लोग हमेशा माइनस का यूज़ करेंगे तो ये आपका हो गया टोटल कैपेसिटी साठ टोटल कैपेसिटी कितनी मान लेंगे मान लेंगे साठ तो ये आपका हो गया तीन एक यहाँ पर दो हो गया और इसकी कैपेसिटी वन हो गई तीन दो और एक ये दोनों भर रहे होंगे और ये तीसरा वाला जो है वो खाली करने वाला है ठीक अब उसके बाद में क्या बोला गया है उसके बाद में बोला गया है प्रत्येक पाइप एक मिनट के लिए खोला जाता है एक्स से शुरुआत होती है एक्स से शुरुआत होगी पहले मिनट अगर देखा जाए तो एक्स चलेगा दूसरे मिनट वाई चलेगा तीसरे मिनट क्या चलेगा जेड चलेगा ठीक है इस तरीके से तो अगर आप देखो तीन मिनट में भाई ये इतना पानी भर जाएगा तीन मिनट में तीन मिनट में इतना पानी भर जाएगा एक्स से स्टार्टिंग हुई भाई पहले मिनट एक्स चला दूसरे मिनट वाई चला जब भाई एक्स चलेगा तीन इसकी स्पीड है तो भाई तीन यूनिट पानी भर देगा ये दो यूनिट पानी भर देगा बारी आती है जेड की तो वो क्या करेगा एक यूनिट खाली कर देगा ठीक तो तीन मिनट में ओवरऑल जो है वो चार यूनिट पानी भर पाएगा यहाँ पर चार यूनिट पानी भर पाएगा कितनी देर में तीन मिनट में और हमको पानी कितना भरना है हमको पानी भरना है साठ हमको पानी भरना है कितना साठ यूनिट ठीक है तो भाई आप यहां पर देखो साठ यूनिट पर पहुंचना है ठीक है तो इसका मतलब है आपने यहां पर पंद्रह से गुड़ा कराई है यहां पर जो है वो पंद्रह से गुड़ा कराई है मतलब आपको साठ यूनिट पहुंचना है तो इसके लिए भी आपको यहां पर भी पंद्रह से गुड़ा करानी पड़ेगी जैसे यह पंद्रह से गुड़ा कराओगे तो पंद्रह या पैतालीस एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन यहाँ से हो गया तो ये आपका हो गया 45 मिनट ठीक है ऑप्शन ए टिक कर देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा बट ये क्वेश्चन सही तब होता जब यहाँ पर ये यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता ठीक है टाइम एंड वर्क यहाँ पर वर्क की बात हो रही होती तब ये आपका फोर्टी जो लिखा हुआ है वो सही होता बट यहाँ पर पाइप की बात हो रही है ये डिफरेंट कैसे है अभी आप समझ जाओगे क्योंकि देखो यहाँ पर ये यह पहले तीन मिनट में क्या होता है स्टार्टिंग के तीन मिनट में क्या होता है पहले मिनट पानी भरता है दूसरे मिनट भी पानी भरता है और फिर तीसरे मिनट पानी खाली हो जाता है ठीक है तो ये चीज़ यहां पर होती है अब लेकिन काम के केस में जब वहां पर वर्क हो रहा होता है तो भाई पहले मिनट वर्क होगा दूसरे मिनट भी वर्क होगा और तीसरे मिनट भी वर्क होगा ठीक है ऐसा नहीं हो सकता है कि वर्क जो है गायब हो जाए जितना किया गया है ठीक है तो वहां पर यह चीज़ नहीं होती है अब आपको ये चीज़ यहाँ पर यह चेक करनी पड़ेगी पहले मिनट पानी भर रहा है दूसरे मिनट भी पानी भर रहा है और तीसरे मिनट पानी जो है वो खाली हो रहा है अब आपको ये देखना पड़ेगा हो सकता है पहले मिनट पानी भर गया हो ठीक है इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा अच्छा अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है इस चीज़ को यहाँ पर देखो इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा पहले ठीक तो आपने यहाँ पर पंद्रह से गुड़ा कराई तो इससे जस्ट एक कम आप गुड़ा कराओ इससे जस्ट एक कम गुड़ा कराओ ठीक है ये प्रोसेस होता है अभी आप और और क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा एक बंदर वाला क्वेश्चन होता है ठीक है एक बंदर वाला क्वेश्चन होता है जिसमें बोला जाता है कि वो एक मिनट एक मिनट में ऊपर चढ़ता है दस मीटर और अगले मिनट पाँच मीटर नीचे आ जाता है एक मिनट दस मीटर चढ़ा और अगले मिनट पाँच मीटर नीचे आ गया ठीक है और जो बिल्डिंग है वो बीस मीटर ऊंची है बीस मीटर ऊंची है तो फिर आप अपने अपनी गणित लगाओगे और देखोगे कि क्वेश्चन अगर हम कंप्लीट लिखें यहाँ पर तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है ये बिल्डिंग है ठीक है अब इस बिल्डिंग पर एक बंदर चढ़ता है तो वो एक सेकंड में दस मीटर चढ़ रहा है अगले एक सेक एक मिनट बोल सकते हो एक मिनट में दस मीटर चढ़ रहा है और अगले अगले मिनट वो पाँच मीटर नीचे आ रहा है इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो कितनी है पचास मीटर तो वो बंदर कितनी देर में चढ़ जाएगा आप अपनी बुद्धि यह लगाओगे कि दो मिनट में दो मिनट में वो इफ़ेक्टिव रूप से सिर्फ पाँच मीटर चढ़ पा रहा है दो मिनट में भाई हमने क्या बोला कि एक मिनट में वो दस मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वो पाँच मीटर नीचे गिरता है इसका मतलब है दो मिनट में वो सिर्फ पाँच मीटर ही चढ़ पाएगा अगर दो मिनट में वो पाँच मीटर चढ़ पा रहा है उसको चढ़ना पचास मीटर है तो इसको भाई बीस मिनट लग जाएंगे यही तो आप सोचोगे इसकी इसको बीस मिनट लग जाएंगे जो कि गलत है बीस मिनट उसको लगेंगे ही नहीं उससे कम समय लगेगा क्यों क्योंकि ये जो गिरने वाला प्रोसेस है ये अगले मिनट में होता है अगले मिनट में होता है इसका मतलब है जब वो ऊपर पहुंच जाएगा तो वो गिरेगा ही नहीं वो गिरेगा ही नहीं अब आप ये समझो यहां तक तो सही था कि दो मिनट यहां तक तो सही था कि भाई वो दो मिनट में पाँच मीटर इफेक्टिवली चढ़ रहा है ठीक है उसको चढ़ना कितना है पचास मीटर तो हम यहां पर पचास से एक कम अभी चढ़ाएंगे उसको इसको सिर्फ आप नौ से गुड़ा कराओ दस से गुड़ा करा रहे थे नौ से कराओ ठीक है नौ पना पैंतालीस मीटर सिर्फ अभी हम इसको पैंतालीस मीटर ही चढ़ाएंगे तो ये अठारह मिनट में अठारह मिनट में पैंतालीस मीटर चढ़ गया ठीक अठारह मिनट में पैंतालीस मीटर चढ़ गया अब अगर हम लोग उन्नीसवें मिनट की बात करें उन्नीसवें मिनट की बात करें तो ये क्या दस मीटर चढ़ेगा ऊपर भाई उन्नीसवें मिनट क्या होगा ये जो है वो दस मीटर ऊपर चढ़ेगा यानी कि जैसे ही उन्नीसवें मिनट आएगा ये कम्प्लीटली ऊपर चढ़ जाएगा सीधे ऊपर चढ़ जाएगा कब उन्नीस मिनट में जबकि अभी आपने आंसर क्या निकाला था अभी आपने बीस मिनट आंसर निकाला था तो भाई देखो अठारह मिनट में वो पैंतालीस मीटर चढ़ गया है पैंतालीस मिनट पर बैठा है ठीक अब अगली बारी उसकी चढ़ने की आएगी ना उसकी अगली बारी चढ़ने की आएगी तो फिर वो दस मीटर ऊपर चढ़ेगा सीधा उसके टॉप पर पहुंच जाएगा तो सिर्फ कितना समय लगा उन्नीस मिनट का ही तो समय लगा ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप कंप्लीट कर दे रहे हो ठीक है बट उससे एक कम लेकर जाओ फिर उसको चेक करो तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो 19 मिनट होगा 20 मिनट जो आपने निकाला कैलकुलेट किया वो गलत था ठीक है तो इसी चीज को अब आप यहाँ पर देखो ये पंद्रह से आपने जो गुड़ा कराई थी अब उसको आप चौदह से गुड़ा कराओ इंटू फोरटीन और यहां पर भी फोर्टीन भाई पानी पाइप खाली कर रहा होगा ना पानी जो है वो पाइप खाली कर रहा होगा क्या पता खाली करने से पहले ही टंकी भर गई हो ये भी तो हो सकता है ना तो इसको चौदह से गुड़ा कराओगे चौदह से छप्पन यानी छप्पन यूनिट पानी भर गया है छप्पन यूनिट पानी जो है वो भर गया है कितनी देर में बयालीस मिनट में कितनी देर में फोर्टी टू मिनट में ठीक अब आपको देखो कितना भरना है अभी अभी आपको कितना भरना है चार यूनिट पानी भरना है चार यूनिट पानी भरना है तो अगर हम लोग बात करें तैंतालीसवें मिनट एक एक मिनट पर पाइप खोला जा रहा है तैंतालीसवें मिनट पर कौन चलेगा भाई सबसे पहले एक्स की बारी होती है तो यहाँ पर भी अब एक्स की ही बारी आएगी किसकी भाई तीन मिनट मतलब कि तीन यूनिट बढ़ जाएगा और जैसे इसमें तैंतालीसवें मिनट तीन यूनिट पानी और बढ़ेगा अब फिफ्टी नाइन यूनिट पानी हो गया फिफ्टी नाइन यूनिट पानी हो गया अब चवालीसवें मिनट की बात आएगी चवालीसवें मिनट तो भाई चवालीसवें मिनट पर वाई चलेगा वाई जो है वो दो यूनिट पानी भरता है दो यूनिट मतलब कि दो यूनिट पानी इसमें भर जाएगा यानी कि एक्सठ हो गया हमको तो सिर्फ साठ चाहिए हमको सिर्फ कितना चाहिए साठ चाहिए तो ये दो यूनिट पानी भरता है एक मिनट में तो क्या आधे मिनट में एक यूनिट पानी भरेगा तो आप यहां पर बोल सकते हो कि अगर हमको साठ तक जाना है तो आधा मिनट आप बढ़ाओ यानी कि साढ़े करो साढ़े तैतालीस ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा साढ़े तैतालीस मिनट में जो है वो साठ नेक्स्ट तीन पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः छः आठ और बारह मिनट में भर सकते हैं पाइप ए को पाइप ए को टंकी भरने में छः मिनट टंकी भरने के छः मिनट पहले बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितनी देर में भरेगी टाइम एंड वर्क के ही सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सेम वही कॉन्सेप्ट। एक और उसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताया गया था ए बी सी छः आठ और बारह अगर आप इन इनका जो है एलसीएम लिखोगे तो ये हो जाएगा चौबीस ठीक है अब इसके साथ साथ में इसकी कैपेसिटी लिखो तो ये हो जाएगी चार तीन और दो ठीक है बोला गया ए को टंकी भरने से छः मिनट पहले बंद कर दिया गया छह मिनट पहले बंद कर दिया गया अगर छ मिनट और जो पहले बंद किया गया है, अगर ना बंद किया जाए अगर ना बंद किया जाए तो भाई जो ए वाला पाइप है वो छह मिनट में एक्स्ट्रा पानी भर देगा जितनी टंकी की कैपेसिटी है उससे एक्स्ट्रा पानी भर देगा छ मिनट तक तो भाई अगर आप देखो टंकी की कैपेसिटी चौबीस है ठीक है अब बोला गया है कि ए जो है टंकी भरने में छह मिनट पहले बंद कर दिया गया भाई टंकी किसी टाइम भर रही होगी ठीक है किसी भी टाइम सपोज मान लेते हैं ग्यारह बजे टंकी भर रही है एग्जैक्ट ग्यारह बजे ठीक है अब बोला गया है कि छ मिनट पहले ही पाइप ए को बंद किया गया है तो इसके जस्ट छ मिनट पहले माइनस छ मतलब बोल सकते हो दस चौवन पर दस चौवन पर इस पाइप को बंद कर दिया गया पाइप ए को बंद कर दिया गया अगर ये पाइप ना बंद किया जाए टंकी 11 बजे तो ऑटोमेटिक भरी ही जाएगी क्योंकि ऑलरेडी और भी पाइप है उसकी वजह से बट अगर इसको ना बंद किया जाए तो यू तो ये अगले छः मिनट में एक्स्ट्रा पानी दे देगा तो वही चीज़ आप लिख दो यहाँ पर कि ए पाइप अगले छः मिनट में कितना एक्स्ट्रा पानी देगा तो एक मिनट में वो चार यूनिट पानी देता है तो छू छ मिनट में छः चौके चौबीस यूनिट पानी मतलब कि अब जो कैपेसिटी है मतलब 48 हो गई टंकी तो कैपेसिटी उतनी रहेगी बट टोटल जो पानी जाएगा ना वो अब 48 जाएगा अब ये 48 पानी कौन कौन दे रहे होंगे कौन कौन दे रहे होंगे भाई ए दे रहा होगा बिल्कुल बी भी दे रहा होगा और सी भी दे रहा होगा देखो ए को जो आपने बंद किया था ए को जो आपने बंद किया था सिर्फ बाकी तो चल रहे थे ऑल टाइम सिर्फ ए को ही बंद किया था अब हमने क्या किया कि भाई ये जो पानी आपने छः मिनट पहले एक को बंद किया था अब उसको हमने बंद ही नहीं किया अब बंद नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा कितना पानी एक्स्ट्रा हो गया 24 यूनिट एक्स्ट्रा होगा यानी कि अब भरेगा 48 यूनिट पानी अब कहीं पर भी कोई भी पाइप नहीं बंद है मतलब ये 48 यूनिट पानी अब तीनों की कैपेसिटी से भरा जाएगा चार तीन सात दो नौ ठीक है 48 बटे नौ तो यहां पर आपका हो जाएगा तीन और सोलह ठीक है तो सोलह बटे तीन मिनट तो यहां पर आपका हो जाएगा सोलह बटे तीन मिनट ठीक है सोलह बटे तीन मिनट तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो तो सी को क्लोज किया गया है ठीक है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें भाई बोल रहे हैं सी को क्लोज किया गया और इसके हिसाब से ए को क्लोज किया गया तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो भाई ये आंसर आपका बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है तो अगर आप यहाँ पर सी को क्लोज करोगे ठीक है अगर आप यहाँ पर सी को क्लोज करोगे तो सेम चीज़ है उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना देखो सी को क्लोज कर रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि पहले टंकी पहले जो है टंकी 24 ठीक है पहले चौबीस भर रही थी सी को अगर आपने क्लोज किया है इसका मतलब है सी की कैपेसिटी दो है कैपेसिटी दो है छः मिनट तक चलाना है तो भाई अब बारह एक्स्ट्रा चलेगा अब कितना चलेगा एक्स्ट्रा बारह तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स क्या हो गया थर्टी सिक्स ये थर्टी सिक्स तीनों के तीनों जो है चलेंगे चार तीन सात दो नौ और ये आपका हो जाएगा चार ठीक है चार मिनट नौ चौकी छत्तीस चार मिनट ठीक है चाहे ऊपर वाले के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो इसके हिसाब से जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो गया और बाकी आप इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर देख सकते हो कि 16 सोलह बटे तीन मिनट इस हिसाब से आएगा